इन लोगों को हिंदू समझते हैं, हिंदू का एक पार्ट है ये लोग, तो इनको भी तो साथ में उठ के आना चाहिए। कहाँ गया बजरंग दल, कहाँ गया विश्व हिंदू परिषद? अब अगर इनको हिंदू मानते तो साथ में आइए ना। सरकार ने दो तीन चीजें बहुत अच्छे से दी है बीजेपी सरकार ने, क्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी दी है आरटीआई, इन्होंने डाटा दिखाने से मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है कि हिंदू मुस्लिम का कहीं भी कोई टॉपिक चलना है, विकास का नाम नहीं हुआ, हिंदू और मुस्लिम में दंगे करवा दे जाइए। अब सत्ता परिवर्तन चाहती है लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। इस वक्त मैं हरियाणा में मौजूद हूं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, सियासी जो हलचल है वो काफ़ी चरम पर है। इसी बीच हम लगातार जनता का रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस वक्त क्या सोच रही है। जो मौजूदा सरकार रही है, पूरा 5 साल कार्यकाल रहा है मनोहर लाल खट्टर का, उनके कार्यकाल से कितनी संतुष्ट है जनता और इस वक्त जो है जनता के मन में क्या चल रहा है, हम इन सारे तमाम मुद्दों पर जो है लगातार बात कर रहे हैं। हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, यूथ हैं, महिलाएं हैं और कुछ सीनियर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त का जो माहौल है जनता का वो कैसा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी मिस्टर अमित कुमार कालरा। जी अमित कुमार जी, क्या माहौल है इस वक्त जनता का, और हम सोनीपत जिला में मौजूद हैं, इधर की जनता क्या सोच रही है इस वक्त? इधर की जनता जो है भी अपनी मौजूदा सरकार से सेटिस्फाइड नहीं है पूरे रूप से। अच्छा, यहाँ जितनी इनकी आशाएं थी यहाँ की, यहाँ हमारी बीजेपी सरकार से कविता जैन जी एमएलए रही हैं, 2 बार रही हैं और मौजूदा में वो मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, लेकिन इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने किसी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया है। जितना मंत्री होते हुए वो कार्य कर सकती थी, बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ इन्होंने किया है ये पार्कों का काम किया है, ये जितनी भी ये जमीन जो बची हुई थी यहाँ पर, इसको इन्होंने अपने रजिस्टर्ड करके अपने अंडर में ले लिया है और काम वाम के नाम पे इससे ज़्यादा विकास कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। और अभी कॉलोनियों में भी कहीं जहाँ का सीवरिंग का काम चल रहा है वो पिछले एक एक साल से ऐसे ही पेंडिंग चल रहे हैं। एक बार सीवर की लाइन दबा के चले जाते हैं, उसके 6 महीने बाद चैम्बर स्टार्ट होते हैं और चैम्बर भी वही अधूरे गली में चैम्बर बने हुए पड़े हुए हैं, उसके बाद उनका कोई मतलब प्रॉपर काम नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार मीडिया में आके ये बात कहते हैं कि हरियाणा में जो विकास उन्होंने किया है वो दूसरे राज्यों को भी देखना चाहिए और सीखना चाहिए, तो क्या वो वास्तविकता नहीं है? नहीं नहीं, ये खोखले बातें हैं, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ना रोजगार के मामले में खट्टर सरकार कितनी सफल? रोजगार के मामले में तो खट्टर सरकार बिल्कुल नाकाम है। अच्छा, अभी एमपी के इलेक्शन के टाइम उन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली है, उससे पिछले 4 साल से चौक वैकेंसी हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। चुनाव के समय वैकेंसी निकाली थी और उनमें भी बोलते हैं कि साथ के साथ ज्वाइनिंग करवाई है, वो भी प्रॉपर ज्वाइनिंग नहीं है। अभी मेरे ही परिवार में लड़की का पहले ही कट ऑफ लिस्ट में नाम आया था और उसकी ज्वाइनिंग अब तक भी नहीं हुई है। जी, डिस्ट्रिक्ट जींद से बिलोंग करते हैं, लड़की की अब तक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। क्या लगता है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में जनता को बहुत उम्मीदें बंद जाती है, तो लगता है कि उस पर नहीं, उस पर खरी 20% भी नहीं है सरकार खरी, उस पर 20% भी जो है जनता की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। हमारे साथ में महिलाएं हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनोद देवी है। क्या लगता है महिलाओं के मुद्दे पर मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कितना काम किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से शुरू हुआ और महिला सुरक्षा को लेकर के कितनी जो है यहाँ पर सरकार गंभीर है? ऐसा कोई काम नहीं किया जी सरकार ने। हाँ। इतनी बेइज्जती कर रखी लड़कियाँ की कोई अंदाजा नहीं है। 6-6 साल की लड़कियाँ गेला ऐसा बलात्कार किए जाते हैं, क्या पड़ी सोई पड़ी है सरकार, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? लड़की जाती है तो उन्हें नहीं पता सामने मरी आएगी कि जिंदी आएगी। अरे ये रावण को, ये अच्छे आदमी को ये जलाते हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ती सरकार? इतनी पकड़ने वाली है तो इनको पकड़ के जलाओ, इनको सजा दो, अगर पकड़ ली है तो अगले दिन जमानत देती, फिर दरिंदे ऐसे घूमते हैं। तो महिला की कोई सेफ्टी नहीं है जी, यहाँ महिलाओं की कोई सेफ्टी नहीं है। क्या कोई विकास के कार्य किए महिलाओं के लिए? कुछ नहीं कार्य किए हैं जी, कुछ भी। महिला तो भूखी मरती मरती, एक ठेके खोले हैं सरकार ने, जगह जगह धर्मशाला बनाई है और मंदिर बनाए हैं, और कुछ नहीं बनाया है, बस इन में बैठ कर लोग दारू पियेंगे और खूब गली गली में औरतें रोती फिर रही हैं। इतनी शराब व्यवहार कर दी, इसने कति छक्का पीवे हैं लोग, लुगाई फैक्ट्रिया में धक्के खाती अंडे वहाँ है मालिक है, उनके साथ से आए बेइज्जती करो, जो उनकी इज्जत लूटो, लेकिन न करना उन्हें बच्चे पालने हैं, या सरकार किस काम की है बताओ? और फिर ये वोट की बात देखते हैं, अगर हम वोट देंगे, हमारे चंद्रशेखर राव को देख लो क्या किया उसने, वो एक अन्याय तो मांग रहा है
और उसके साथ ही 96 लड़कियों को बंद कर दिया। एक हमारा जो रविदास था हमारी, उस पर हम अपनी पूजा करा करते, ये पूजा कर हम कभी नहीं बोलते, अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा वो 600 साल पुराना था, उस पर ही उंगली उठा दी में जो रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया उसकी, जो रविदास का, हाँ वो उठा दी इसने। और भी तो मंदिर थे, ये जगह जगह इतना कोई कोई करोड़ा रुपया खराब करते हैं और वो बनाया बनवाई ने हट दिया। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज के जो जो महापुरुष हैं, मौजूदा सरकार जो है उनको टारगेट कर रही है, उनको टारगेट करी है? हम हालांकि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा चंद्रशेखर हमारा बेटा है, पूरे देश का बेटा है। के लिए ये इस मौजूदा सरकार ने दलितों के लिए हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। अच्छा। इस आप देखिए दलितों के लिए पूरे भारत में अब तक 3 बार ऐसा हुआ है कि दलित लोग सड़कों पर आगे खड़े हुए हैं। सबसे पहले हुआ 2 अक्टूबर को जो इन्होंने SC/ST एक्ट पर, ठीक है, उसके बाद पूरा भारत के दलित लोग जो हैं सड़कों पर आए हैं। और जहाँ तक की रिपोर्ट थी उसमें बोलते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के बाद पहला ही ऐसा आंदोलन हुआ है जो पूरी इंडिया लेवल पर, उससे भी बड़ा आंदोलन ये हुआ 2 अक्टूबर वाला, 2 अप्रैल वाला, सॉरी 2 अप्रैल वाला। तो उसके ऊपर लोग सड़कों पे आए, उसके बाद इन्होंने सेकंड किया 13 रोस्टर प्रणाली को उन्होंने 200 में कन्वर्ट किया। उसके लिए प्रोफेसरों पर कितनी लंबी कहानी चली, कितना लंबा, तब लोग प्रोफेसर सड़कों पे आए हैं तब उसको इन्होंने चेंज किया है। और तीसरा ये हुआ है तुक लगाबाद मंदिर वाला, अगर ये लोग इन लोगों को भी हिंदू समझते हैं, हिंदू का एक पार्ट है ये लोग, तो इनको भी तो साथ में उठ के आना चाहिए। कहाँ गया बजरंग दल, कहाँ गया विश्व हिंदू परिषद? अब अगर इनको हिंदू मानते तो साथ में आइए ना, तो अब इसके सामने कोई आ ही नहीं रहा। नहीं नहीं, अब बोल रहे हैं कि कोर्ट भी ये बोल रहा है कि अब इसको नहीं चेंज किया जा सकता यहाँ से, अब तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। इसका मतलब रोड में जितने भी रास्तों में ये और भी बहुत सारे मंदिर आ रहे हैं उनको भी तोड़वाए ना फिर सरकार, तोड़वाना है तो अकेला एक मंदिर का टारगेट क्यों? इनकी चुनाव के टाइम पर हिंदू बना, अभी चुनाव के टाइम में ये, चुनाव के टाइम पर ये हो गया। सरकार ने दो तीन चीज़ें बहुत अच्छे से दी है बीजेपी सरकार ने, उसके लिए सभी लोग मन में जरूर बोलते हैं, लेकिन जो मोदी जी के भक्त हैं वो इस चीज़ को सामने कुछ बोलेंगे लेकिन दिल में मानते हैं। हाँ। क्या दिया है? बेरोजगारी तो सबसे बड़ी दी है। RTI के अकॉर्डिंग इन्होंने डाटा दिखाने से मना कर दिया कि RTI के अकॉर्डिंग इन्होंने डाटा दिखाएंगे नहीं कि कितने रोजगार पैदा हुए हैं और कितने इन्होंने वादा किया 2 लाख रोजगार हम साल में देंगे इनको। डाटा मंगवाया RTI, उन्होंने मना कर दिया डाटा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है कि हिंदू मुस्लिम का कहीं भी कोई टॉपिक चलना है, विकास का नाम नहीं है वहाँ, हिंदू और मुस्लिम में दंगे करवा दे जाइए। अभी लेटेस्ट में देखिए, अभी MLA के चुनाव हुए हैं और वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अंदर घुस गए हैं, अभी पाकिस्तान के ड्रोन आ रहे हैं, आज लेटेस्ट न्यूज है कि पाकिस्तान का ड्रोन अंदर घुस गया है, उसके देख रही है BSF, उसको कंट्रोल कर रही है। ये उसी टाइम क्यों आते हैं? चुनाव के टाइम अपने आप ये आ जाते हैं मुद्दे, इनके जातिवाद का और ये हिंदू मुस्लिम का, ये इन्होंने भरपूर दिया है समाज में और इसी के आधार पर इन्होंने समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस वक्त BJP सरकार का जो माहौल है वो क्या जनता सोच रही है उसको लेकर के, दोबारा से क्या आश्वस्त है दोबारा से सत्ता में लाए ना? अब की बार BJP को यहाँ बहुमत पकड़ना हरियाणा में बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है जी। हमारे साथ में कुछ यूथ भी हैं, क्या सोच रहे हैं आप, वोट डालेंगे इस दफा पहली बार वोट डाल रहे हैं? प्रवेश काल रहा, प्रवेश जी क्या सोच कर वोट डालेंगे, क्या मुद्दे आपके मन में रहेंगे, क्या चीजें हैं जब वोट डालने के लिए जाएंगे? वोट डालने का सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि हमें रेलों में लटक के जाना पड़ता है हमेशा, या मतलब रेलों की सुविधा इतनी कम है कि सुबह सुबह जो पहली ट्रेन होती है उसी में लटक के जाना पड़ता है। तो सुबह सुबह तो यही सोचते हैं कि मतलब सुबह सुबह बंदे कम आते हैं लेकिन तभी भी हमें लटक के जाना पड़ता है। और जो यहाँ का जो शिक्षा का माहौल है ना सोनीपत में, हमें दिल्ली जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, सोनीपत में शिक्षा का माहौल इतना ख़राब है, मतलब अगर जो बच्चा जो फैमिली गरीब फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर पाती प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना तो उसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं है। अगर हम दिल्ली में जाते तो वहाँ अच्छी खासी सुविधाएं मिलती है, देखते हैं वहाँ पे सरकार तो वहाँ पे भी यही है, मतलब यहाँ ये तो नहीं है, आप सरकार है वहाँ पे तो काम तो वो भी कर रही है तो काम ये भी कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस दफा यूथ का क्या मूड है, दोबारा से खट्टर जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है या फिर सत्ता परिवर्तन चाहती है जनता?
सत्ता परिवर्तन चाहती है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता आगे। हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर सरकार का 5 साल का कार्यकाल रहा है, उस पर हम जनता से बात कर रहे थे, जनता का कैसा रिव्यू है वो आपने देखा, और मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो किस तरीके की है, जनता क्या चाहती है वो भी शायद आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, और इसी तरह की लगातार हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you.